हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टू अवेयरनेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ब्लास्ट चिलिंग और ब्लास्ट कूलिंग। इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रेफ्रिजरेशन फॉर फूड प्रिजर्वेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लास्ट चिलिंग या ब्लास्ट कूलिंग क्या होती है। ये आपकी एक मॉडर्न टेक्निक है जो भोजन सामग्री को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम आपका किसी भी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की तरह ही होता है। देखिए, सबसे पहले है आपका कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर से यहाँ पे देखिए एक रिसीवर कनेक्टेड है, ठीक है। तो कंप्रेसर से कंडेंसर, रिसीवर, फिर यहाँ से आपका एक्सपेंशन वेल्व, एक्सपेंशन वेल्व से फिर आपका इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर से बैक आपका कंप्रेसर में, ठीक है। तो प्रोसेस वही सेम होता है। कंप्रेसर में हम पहले क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस कर देते हैं। उसके बाद कंडेंसर में आपका इसमें हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। रिसीवर का जो काम होता है वो होता है आपका जो एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट है उसको स्टोर करके रखना, प्रशीतक का एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो स्टोर करके रखना। एक्सपेंशन वेल्व में हम फिर इसके आपका एक लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे आपका एक्सपेंड करते हैं, और ये जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर आपका इवेपोरेटर में जाता है तो वहाँ पे जाके आपकी जो कूलिंग है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, यानी कि जो प्रशीतन प्रभाव है, उसको आपका उत्पन्न करता है, यानी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर से इसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस जो आपका होता है वो ये होता है कि आपका जो कंप्रेसर इसमें यूज़ होता है ये आपका बहुत पावरफुल यूज़ होता है। तो नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के मुकाबले जो कंप्रेसर इसमें यूज़ हो रहा है वो बहुत पावरफुल होगा, ठीक है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका इवेपोरेटर होता है, ठीक है, इस इवेपोरेटर में आपका एक फ़ैन यूज़ होता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो फ़ैन यूज़ होगा वो बहुत पावरफुल होगा। जैसे फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर में आपने देखा हो जो फ़ैन यूज़ होता है वो एक नॉर्मल स्पीड पे वर्क करता है ना, उसकी स्पीड इतनी नहीं होती कि जैसे मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर ओपन करें और बहुत तेज़ आपको एयर का है ना गश या फिर एयर हवा का झोंका आपको फील हो, ठीक है। मगर इसके केस में क्या होता है कि जो फ़ैन आपका यूज़ होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है ताकि वो कूलिंग जो है वो बहुत ही फास्ट कर सके। तो देखिए कुछ इस तरह का आपका दिखता है एक आपका ब्लास्ट चिलर या ब्लास्ट कूलर। तो देखने में देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपका फ्रिज की तरह रेफ्रिजरेटर की तरह ही लग रहा है, ठीक है। मगर उससे थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं, एक तो पूरी बॉडी इसमें स्टील की है, ठीक है। पूरी बॉडी स्टील की आपकी इसलिए यूज़ करी जाती है ताकि इसमें जो आपका इंसुलेशन हो वो आपका बहुत अच्छा हो, इसके थ्रू जो आपका हीट लॉस हो यानी कि ऊष्मा जो आपका निकले वो बहुत ही कम निकले, है ना, जिससे आपका ये मैक्सिमम टाइम तक आपका बहुत अच्छी तरह से कूलिंग जो है वो आपका प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा देखिए इसमें थोड़ा सा आपका ये यहाँ पे टच पैनल वगैरह भी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपका नॉर्मल फ्रिज वगैरह से आपका एडवांस होता है कि आपको बार बार उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है टेम्परेचर वगैरह सेट करने के लिए, है ना। बाहर से ही आप क्या कर सकते हैं उसको सेट कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं आपका ये एक अटैचमेंट होता है, इसकी हेल्प से आपकी जैसे ट्रॉली वगैरह हुआ है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्टली फूड इसमें ट्रॉली वगैरह में रख के सीधे सीधे हम आपका उसको अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक हमें उसका डोर ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है कि है ना डोर ओपन किया फिर एक सामान रख रहे हैं फिर दूसरा सामान रख रहे हैं। तो जनरली क्या करते हैं कि हमने एक आपका ट्रॉली लिया, ठीक है, उस ट्रॉली में जो आपका सामान है वो सारा आपका रख दिया और उस ट्रॉली को स्ट्रेट इसके अंदर आपका स्लाइड कर दिया, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपका उसका जो डोर का ओपनिंग टाइम है वो आपका क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं कि ब्लास्ट कूलिंग या ब्लास्ट चिलिंग आपकी क्या होती है। तो जैसे मैंने बताया ये आपकी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी में हमें क्या करना होता है, ब्लास्ट कूलिंग या ब्लास्ट चिलिंग का काम कम तापमान पर भोजन को जल्दी ठंडा करने
का होता है जिससे बैक्टीरिया के विकास अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो अब इसमें मेन जो आपकी फूड आइटम्स जो आपके होते हैं या आपकी भोजन सामग्री होती है उनके ख़राब होने का उनका आपका जो मुख्य कारण होता है वो बैक्टीरियाज होते हैं। तो इसका काम ये होता है कि आपका जो कूलिंग प्रोसेस है वो इतना फास्ट करे जिससे आपके जो बैक्टीरियाज है वो आपके ग्रो ना हो पाए, वो आपके उत्पन्न ना हो पाए। ठीक है, किस तरह से ये करता है अभी हम आगे इसके वर्किंग में देखेंगे, है ना। ब्लास्ट कूलिंग और ब्लास्ट चिलिंग इज़ अ मेथड ऑफ कूलिंग फूड क्विक टू अ लो टेम्परेचर दैट इज रिलेटिवली सेफ फ्रॉम बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, है ना, कूलिंग फूड क्विकली यानी कि हमें बहुत जल्दी उसको क्या करना है, ठंडा करना है। ठीक है, और उसको किसके आपका उससे सुरक्षित करना है, बैक्टीरिया के ग्रोथ से। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के विकास से हमें उसे क्या करना है, आपका सुरक्षित करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल और वर्किंग। तो देखिए, आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लास्ट कूलिंग या ब्लास्ट चिलिंग, ये सबसे ज़्यादा आपका जो यूज़ होती है वो आपकी रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और कैटरिंग सर्विसेज वगैरह के लिए आपकी यूज़ होती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसे इसको डेफिनेशन के हिसाब से भी जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो अब इसका जो नाम है आपका ब्लास्ट कूलिंग या ब्लास्ट चिलिंग, तो ब्लास्ट का मतलब समझते हैं कि आपकी कोई चीज़ बिल्कुल एकदम से हो जाए, एट एन इंस्टेंट आपकी हो जाए। तो क्योंकि इसमें बहुत फास्ट कूलिंग यूज़ होती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ब्लास्ट चिलिंग या ब्लास्ट कूलिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि किस तरह से आपका ये इसका जो प्रिंसिपल होता है या इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपका इसका जो यूज़ होता है रेस्टोरेंट्स में, आपका होटल्स में, कैटरिंग वगैरह सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जनरली जो हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपका कुक्ड फूड यानी कि पके हुए भोजन के लिए करते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम कोई फूड कुक करते हैं या भोजन पकाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो अगर हम उसको फ़ौरन कंज्यूम कर ले रहे हैं, है ना, तो अच्छी बात है, मगर आपको पता है होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में इन्हें आपका स्टोर करके रख दिया जाता है ताकि उसको हम लोग क्या कर सके, फ्यूचर में आपका यूज़ कर सके, है ना। या कई बार कैटरिंग वगैरह में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है कि उसको एट अ टाइम पकाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उतने सारे लोगों के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पहले से पका के रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो खराब ना हो तो उस वजह से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, आपका रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो पका हुआ भोजन होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, काफी हाई होता है। ठीक है, अब हमें पता चला है रिसर्च से कि द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है फूड में, ठीक है, इट अकर्स बिटवीन +8°C टू +68°C। ठीक है, तो बैक्टीरिया का देखिए जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है वो 8°C से 68°C तक आपका होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई यानी बैक्टीरिया जो है अगर 68°C से ज़्यादा है टेम्परेचर तो जल्दी आपका ग्रो नहीं करेगा, 8°C से कम टेम्परेचर हो गया तो आपका जल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि आपका जो कुक्ड फूड होगा, ठीक है, तो इट इज़ कूल्ड फ्रॉम 70°C टू 3°C। ठीक है, 70°C से 3°C तक हम क्या कर देते हैं, इसे आपका कूल कर देते हैं। ठीक है, इन लेस देन 90 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना टाइम इसमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, उतना बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस क्या करेंगे, आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसे कम से कम समय में करना होता है, तो 70°C आपका टेम्परेचर काफ़ी हुआ, और उससे 3°C जैसे नॉर्मल अगर फ्रिजेस की बात करें तो अगर इतना टेम्परेचर हमें आपका डिक्रीज़ करना है तो हो सकता है 5-6 घंटे 7 घंटे आपको लग जाए, है ना, 70°C 80°C के टेम्परेचर से 3°C 2°C के टेम्परेचर तक लाने में। लेकिन हमारा जो ब्लास्ट कूलर या ब्लास्ट चिलर होता है ये 90 मिनट से भी कम समय में इसे क्या कर देता है, आपका ठंडा कर देता है। ठीक है, ताकि इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर लेटर कंजम्पशन इन अ सेफ मैनर, एक आपका सेफ तरीके से हम इसे लेटर उसके लिए बाद के यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था डिस टेक्निक इज यूज्ड इन फूड कैटरिंग। ठीक है, फूड कैटरिंग होटल रेस्टोरेंट्स इसमें यूज़ होती है प्रेजेंटली फॉर इंस्टेंट फूड आइटम्स।
ठीक है, ठीक है, जो हमारे इंस्टेंट फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिनके लिए क्या होता है कि उनको पका के, है ना, फिर कूल करके, डिहाइड्रेट करके आपका सील पैक कर दिया जाता है, और उसको फिर पकाने के लिए हमें बस क्या करना होता है, उसको पैन में पलट दे, गर्म करें और उसको हम लोग आपका कंज्यूम कर सकते हैं। तो इंस्टेंट फूड आइटम्स वगैरह हुए, फिर इसके अलावा आपके फ्रूट्स वगैरह भी हुए, है ना, मीट आइटम्स हुए, इन सभी चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपका ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये उनकी क्वालिटी को इंश्योर करता है, ठीक है, सेफ्टी को इंश्योर करता है। ठीक है, ब्लास्ट चिलर जो होते हैं वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में नॉर्मली ऑपरेट करते हैं, और क्योंकि वही जैसे एक समझ में आ रहा होगा कि लार्ज क्वांटिटी ज़्यादा फूड आइटम्स के लिए होते हैं, तो इस वजह से इनका जो यूज़ होता है वो कमर्शियल पर्पज़ से ही आपका होता है, हम लोग डोमेस्टिक यानी घरेलू पर्पज़ से इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी सिद्धांत व कार्यशैली, बैक्टीरिया 8 और 68 डिग्री सेल्सियस के बीच तेजी से बढ़ते हैं, है ना, पके हुए भोजन को 70 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस या 90 मिनट से कम समय में ठंडा करके भोजन को भंडारण तथा बाद में सेवन के लिए सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, इस पद्धति का उपयोग फूड कैटरिंग, है ना, रेस्टोरेंट्स, होटल में किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में तत्काल खाद्य में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो तत्काल खाद्य इंस्टेंट फूड, ठीक है, तो वही चीज़ है आपका, ये गुणवत्ता तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ब्लास्ट चिलर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अत्यधिक व्यावसायिक रूप से होता है। मिनिमाइजिंग टाइम डैट फूड इज इन द डेंजर जोन। ठीक है, तो डेंजर जोन किसको कहा गया है? ठीक है, जिसमें आपके बैक्टीरिया ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, जो हम लोगों ने देखा था +8 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो टेम्परेचर रेंज होगी उसी को यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका डेंजर जोन है। ठीक है, एंड रिड्यूस्ड वेस्ट। ठीक है, तो रिड्यूस वेस्ट का मतलब क्या है कि अगर उसको हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो वो हमारा कंजम्पशन के लायक खाने योग्य नहीं रहेगा, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका 70 डिग्री सेल्सियस से +3 डिग्री सेल्सियस इन 90 मिनट्स। ठीक है, और फ्रीजिंग टू -18 डिग्री सेल्सियस माइनस आपका 18 डिग्री सेल्सियस तक इन 240 मिनट्स। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर हम, हो सकता है एक सिर्फ उसको ठंडा करके रखना चाहते हैं तो हम उसको कहाँ तक कूल करेंगे? 3 डिग्री सेल्सियस तक। मगर अगर हम उसको फ्रीज करके रखना चाहते हैं तो फ्रीज करने के केस में हम उसको कूल करेंगे -18 डिग्री सेल्सियस तक। आज हमने जाना कि ब्लास्ट कूलिंग या ब्लास्ट चिलिंग क्या होती है। इसके दो आपके बेसिक टाइप्स होते हैं, एक आपका मॉड्यूलर टाइप और दूसरा रोल इन टाइप। तो अगर देखिए आपने वीडियो लास्ट तक देखा हो और आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने फीडबैक कमेंट्स के फॉर्म में नीचे दे सकते हैं। थैंक यू। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।